हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है इस चीज से। 500 वर्षों के बाद जब प्रभु अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, देश और दुनिया अयोध्या के प्रति आतुर है, कब मौका मिलता है, कब प्रभु अपने धाम का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्रदान करता है। हम सब तो सौभाग्यशाली हैं यही रह करके और इस धाम को नजदीक से देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। यहां पर प्रभु की कृपा हम पर सदैव बनी हुई है और इन स्थितियों में हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है, और जिम्मेदारी ये कि सबसे पहले अयोध्या स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे लाइन डबल रेलवे लाइन से अयोध्या जुड़ चुका है, एयरपोर्ट। आप सोचिए मौसम कैसा है, अगर एयरपोर्ट नहीं होता तो मैं इतनी सुबह अयोध्या धाम में नहीं पहुंच पाता। आज अयोध्या धाम में एयरपोर्ट है तो मौसम कैसा भी होगा हम पहुंच जाएंगे, कोई समस्या नहीं। यानी ये सभी सुविधाएं अयोध्या धाम के लिए, और अब इलेक्ट्रिक बसेज जिनमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं, कोई आवाज भी नहीं, अयोध्या को चमकाएंगे, उनके रूप तय हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।